इलेक्शन जरा बिल्कुल नेड़े आ गया, दस बारह दिन रह गए। अकरम साहब ना हाथ मजबूत है, अकरम साहब ना हाथ मजबूत है, तो सारी आवाम ना हाथ मजबूत है। इन्हें चीजें बदे नजर रखा तो अस इसे आज जरा अपने मुमताज सेठी साहब ने घर अस बैठे हैं कि भाई अपने गुमाड़ी जितने भी हैं उरा पर पड़ोसी जो भी है तो उन्होंने यही मैसेज दो जीत ही आसानी है इंशाल्लाह। अगली कुर्सी रह जा, अगली कुर्सी इसी अगर कुर्सी नहीं करी जीत ही आनी है कश्मीर को लेके उन्होंने जीत है तो साड़ी इसे गली मदे नजर रखे जितने तक हो सके बस अलग बिल्कुल शाना पिशाना सारे लोग अज सारे उन्होंने पूछो जरा रूबरू गल है हाँ जी बाबा साहब कितने लगे है मेरा असलम चौधरी का बहुत थोड़ा या बोल दो उन्होंने कितने गशी आ गई जगाया निकल मैं लसाने चलो पीर चलो लसाने असलम साहब ने गिनती है बाबा जी साहब वोट लेकर रह गए काजी सईद साहब था जरा इलेक्शन लड़े था वे सामीरिया की ज्यारत पर भी गया सामीरिया ने क्यों मेरी तरफ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, जनाब डॉक्टर फारूक साहब जिंदाबाद, जनाब मियां अल्ताफ साहब जिंदाबाद, जनाब मियां अल्ताफ साहब जिंदाबाद, अल्ताफ साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, अल्ताफ साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, जनाब अकरम साहब जिंदाबाद, अकरम साहब जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने बड़ा पूछा, हमारी अच्छी मीटिंग हुई तो हम यही पैगाम लोगों को देने के लिए आए हैं कि 25 तारीख को जो वोट है वो अपने अपने घरों से सब ने निकलना है, बच्चियों ने, माओं ने, बहनों ने, सब ने, और हल्के निशान पे मोर लगानी है। हल्के निशान पे मोर लगानी जो है वो अपने आप को वोट देना है। तो हज़रत मियां अल्ताफ साहब जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ कैंडिडेट हैं उनको कामयाब करना है, इसलिए हम यह पैगाम देने आए थे। और इंशाल्लाह ताला हमें यकीन है कि जो लोगों का जोश और वलवला है तो इंशाल्लाह मियां अल्ताफ साहब भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। मैं गांव-गांव लोग चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस वक्त क्योंकि हमारा कैंडिडेट है अल्ताफ अपने मियां अल्ताफ साहब, तो लोग चाहते हैं, हर शख्स चाहता है मेरे घर में मीटिंग हो, मोड़े में मीटिंग हो, एक वार्ड में मीटिंग हो। अब क्योंकि इलाका बड़ा है तो आज यहाँ मोड़ा बसाई में यहाँ पठानों की बस्ती में एक छोटी सी मीटिंग है हमारी, जिसमें चौधरी अकरम साहब भी तशरीफ़ लाए हैं और बाकी हमारे साथी जो हैं मुंदोबीन वो भी तशरीफ़ लाए हैं। तो लोगों का रिस्पांस अच्छा है, लोग चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि 2019 के बाद जितनी भी त्रुटियां हमारी थी उनको दूर करने के लिए हमारा मेंबर पार्लियामेंट होना लाजमी है, लिहाजा लोग चाहते हैं कि बड़ी कसरत में नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दे के नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब करके ताकि एक बेहतर निज़ाम बनाया जाए। आपके चैनल के थ्रू मैं आपके चैनल का इसलिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वक्तन फक्तन आप जो भी मुश्किलात इलाके की होती हैं आप उन्हें वहाँ निभाते हैं। मैं तमाम वोटरान से ये गुजारिश करूँगा कि 25 तारीख को आपने अपने पोलिंग स्टेशन पर जाके अपने कैंडिडेट को जिता के ये साबित करें कि हम लोग एक अमन चाहते हैं रियासत में और रियासत जो है इसको खुशहाल चाहते हैं। मेरा नाम आजी मुमताज़ सेठी है। अल्लाह का शुक्र है कि ये आज की जो मीटिंग है ये अकरम साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, उनके साथ आए हुए सारे मेहमान जो हैं तारिक साहब हैं, डी एफ ओ साहब हैं, वगैरह वगैरह जितने भी लोग आए हैं, श्री साहब हैं सरपंच इसके कलर कटल के, तारिक मनाज साहब हैं और जितने भी लोग उनके साथ आए हुए हैं, मैं उनका मशकूर हूँ कि वो यहाँ मेरे घर में तशरीफ़ लाए। गुजारिश ये है हमारी कि हमने इंशाल्लाह हमारा वादा है कि हमने वोट जो है वो मियाँ अल्ताफ़ साहब को देने हैं और वो हमारा पीर खाने का घर है, उसकी वजह से हमने ये सारे वोट जितने अपनी बरदरी के बग़ैर बरदरी के बाहर से भी वोट जो हैं वो मियां अल्ताफ़ साहब को दिलवाने और हर कीमत पर दिलवाने। और मैं आपका और आपके स्टाफ का और असलम अकरम साहब का और उनके साथ आए हुए मेहमान जितने ये पुलिस वाले हैं, बाकी स्टाफ भी है, बाकी जितने मेहमान आए हुए हैं, सब का मैं मशहूर हूँ कि हमारे घर में वो तशरीफ़।